हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, प्लेसमेंट इंचार्ज महाराजा अग्रसेन कॉलेज अबोहर से। यदि आपने मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर TW का फॉर्म अप्लाई कर चुके थे और उसके बाद आपकी इंटरव्यू वगैरह अभी तक नहीं हुई है, तो ये समझिए कि आपका पिछला फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपके लिए एक बार फिर से मौका मिला है मारुति के अंदर जॉब करने का। तो इसके लिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनते रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं तो जो एलिजिबल ही नहीं होते जॉब के लिए, लेकिन वो फॉर्म भरने के लगे रहते हैं। तो पहले इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुन जरूर लिया करें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ में बने घंटी को भी जरूर दबा लें। तो चलिए आज के शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अंदर निकली है टेम्परेरी वर्कमैन यानी TW के लिए वैकेंसी, जिसकी जॉब लोकेशन होगी मानेसर और गुड़गावा प्लांट के लिए। ड्यूरेशन टाइम पीरियड आपको जॉब मिलेगा वो है 7 मंथ के लिए। सैलरी की बात करें तो जो टोटल सैलरी मिलेगी वो है 28,000 रुपए पर मंथ, लेकिन आपको जो ESI PF कटकर आपके इन हैंड सैलरी मिलेगी वो है 21,599 रुपए पर मंथ में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन होगी वो है ओनली 10th के बाद ITI पास आउट। तो ITI की जो ट्रेड्स होंगी वो होंगी फिटर, वेल्डर, टर्नर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, मशीनिस्ट, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। इलेक्ट्रिशियन वाले नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखते रहें, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो TW में इलेक्ट्रिशियन वाले नहीं अप्लाई करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन अप्लाई कर दिया था TW में और अब वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा फॉर्म या हमें एडमिट कार्ड या हमें कोई मैसेज वगैरह क्यों नहीं आया। उनके लिए नहीं आएगा कभी भी। एक बात और, अगर आपने इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें और वीडियो को अच्छी तरीके से सुने भी, ताकि इंफॉर्मेशन सभी तक सही से पहुंच सके। अब बात करते हैं ITI काउंसिल की। तो इसमें चाहे आपकी ITI है, NCVT से है, चाहे SCVT से है, दोनों एलिजिबल होंगे। एज की बात करें तो एज होगी आपकी मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 26 वर्ष ज्वाइनिंग डेट तक। यदि आप 26 से क्रॉस कर चुके हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन अप्लाई करना है उसकी डेट है 30 नवंबर 2020 तक। तो 30 नवंबर से पहले पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। जो इंटरव्यू डेट या इंटरव्यू जो तारीख होगी वो कहां होगी, यानी कि इंटरव्यू लोकेशन कहां होगी, वो आपको कंफर्मेशन किया जाएगा व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज से या मेल आईडी से। तो तब तक इंतजार करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई करते ही मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा एडमिट कार्ड या कंफर्मेशन मैसेज कब तक आएगा। तो धीरज रखिए, आप सबके लिए हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से सारी जानकारी। तो ये भी आपको जरूर बताया जाएगा कब तक आपको मैसेज या कॉन्टेक्ट मिल सकता है। अब इसके लिए आपको लॉगिन क्या करना होगा, तो लॉगिन होगा www.marutisuzuki.com/corporate/careers-join-us। तो इस लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ये लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर देंगे। उस लिंक के माध्यम से भी आप सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। अब इसके अंदर कुछ बातों का विशेष ध्यान रहे कि आपको जो आप अप्लाई करेंगे तो आपकी मेल आईडी और फोन नंबर हमेशा वैलिड ही देना है, यानी कि आपका वो मेल आईडी और वो नंबर जो आपका कंटिन्यू चलता रहे उसको आप चेक भी करते रहे बार बार, ताकि इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दूसरा, जो आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो कंप्यूटर के ऊपर ही करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल पर अप्लाई करते हैं और बाद में परेशान होते हैं। दूसरा, जब आप इंटरव्यू देंगे, अगर आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन होती है या रिटन टेस्ट ऑनलाइन होता है, तो आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल आई है इस बार जो फॉर्म के अंदर, जो अभी अपने एग्जाम हुआ था 19 नवंबर को, तो ये बात भी विशेष तौर पर ध्यान है। अब इसके अंदर क्या क्या स्टेप होंगे जिसपे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उस वीडियो का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दिया है, उस लिंक के माध्यम से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर स्टेप होंगे, जैसे आप लिंक पर जाएंगे, नंबर 4 पर दिया होगा ऑप्शन वर्कमैन हायरिंग ITI, उस पर आपको एक्सपोज करना है। एक्सपोज करते आपको अपनी मेल आईडी को वैलिड करना है। मेल आईडी आपको भेजेगी आपका वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आपकी मेल पर, वहां से आपको 6 डिजिट का OTP वापस उसी साइट पर फिल करना है। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन होगा। अब इसके अंदर पहला जो ऑप्शन होगा उसमें आपकी खुद की पासपोर्ट साइज की फोटो भरनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10वीं की मार्कशीट लगा रहे हैं, तो वो रिजेक्ट होगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स सही से फिल करनी होगी और लास्ट में होगा आपका कम से कम 6 डॉक्यूमेंट्स एक PDF बनाकर सेंड करनी होगी। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं वो भी ध्यान रहे। एक तो आपकी 10th की मार्कशीट, यदि आपकी +2 है तो +2 की मार्कशीट, ITI की, एक तो आपका था फाइनल मार्कशीट जिसे हम बोलते हैं NCVT, और दूसरा होता है आपकी फाइनल सभी सेमेस्टर वाइज की DMC। तो ये दोनों आपको साथ अटैच करनी है। आधार कार्ड के दोनों तरफ से फोटो भी साथ आपको अटैच करनी है। इन सभी की डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बनानी है जो कि 5 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कंपनी के द्वारा एक पेज आपको दिया जाएगा जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का आपको PDF या प्रिंट आउट लेकर आपके पास रख लेना है, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको इसकी जरूरत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसको ध्यान नहीं देते, और अभी मेरे पास लगातार मैसेज कमेंट्स कर रहे थे कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है, डिलीट हो गया है, क्या करें। तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप रिजेक्ट ही होंगे। तो ये है पूरी जानकारी। इस जानकारी को सभी तक शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है प्लेसमेंट सेल। जय हिंद, वंदे मातरम।